ओके क्लास, वॉइस आ रही है क्लियर? सारे पार्टिसिपेंट ज्वाइन कर ले तो हम कंटिन्यू करते हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक व्हिच इज फाइल हैंडलिंग इन सी शार्प। किस तरीके से हम फाइल हैंडल कर सकते हैं, बट बेसिक क्वेश्चन हियर इज दैट व्हाट इज द फाइल। फाइल कुड बी एनीथिंग इन व्हिच वी कैन रीड और राइट डेटा फॉर्मेट। ठीक है, ऐसा कोई भी हमारे पास स्टोरेज जहाँ डेटा हमारे पास कहीं हम स्टोर कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, राइट करवा रहे हैं, और सी शार्प से हम कनेक्ट कर रहे हैं अपनी फाइल को। अब फाइल कुड बी एनीथिंग, अ वर्ड फाइल एज वेल, अ नोटपैड फाइल एज वेल। हम जो है इस कोर्स में बात करेंगे नोटपैड फाइल की। लेट से मैंने नोटपैड की एक फाइल बनाई, उस फाइल पे मैंने डेटा स्टोर। जी क्लास, आई गेस नेट का कुछ इशू था जिसकी वजह से डिसकनेक्ट हो गया। हेलो क्लास, वॉइस क्लियर आ रही है? ओके कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन हम ये डिस्कस कर रहे थे कि हम फाइलिंग क्यों कर रहे हैं, जब व्हेन वी हैव डिफरेंट डेटा टाइप्स, इवन वी हैव एरेज व्हिच कैन स्टोर मल्टीपल डेटा इन अंडर अ सिंगल वेरिएबल नेम, सो हमें फाइल की जरूरत क्यों होगी। सो आंसर इसका ये है कि वी नीड फाइलिंग बिकॉज अभी जो हम काम कर रहे हैं, जो भी हम प्रोग्राम रन कर रहे होते हैं, जो डेटा सेव कर रहे होते हैं, इवन एरेज में भी, वो टेम्प्रेरी बेसिस पे होता है। लेट से मैंने जो अभी सम कैलकुलेट किया था, वो जो काउंटर वाली एग्जांपल हमने देखी थी, वो जब तक मेरा प्रोग्राम रनिंग मोड पे है, उस रनिंग मोड पे ही वो क्या डिटरमाइन कर रहा है, हमें आउटपुट दिखा रहा है। ठीक है, जब हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज हो और हम चाह रहे हो कि हम एट द जब प्रोग्राम क्लोज हो जाए उसके बाद भी डेटा स्टोर कर सके, क्योंकि हम जो प्रोग्राम रन कर रहे होते हैं वो हमारी रैम के थ्रू हो रहा होता है, जो प्राइमरी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी पे उस वक्त जो जिस वक्त प्रोग्राम रनिंग मोड में जो जो चीजें हम ऐड कर रहे हैं, चाहे एरे पे करें, किसी पर्टिकुलर वेरिएबल पे करें, जैसे ही प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा वो सारा डेटा हमारे पास जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डेटा हमारे पास कहाँ सेव हो रहा है, डेटा हमारे पास सेव हो रहा है प्राइमरी मेमोरी मेन में, जो जो के वॉलेटाइल है, मीन जैसे ही पावर शट ऑफ होगी या प्रोग्राम एंड होगा, सारा डेटा हमारे पास जो है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम चाह रहे हैं कि हम डेटा को फर्दर यूज कर सकें, लेट से मेरी आज जो सेल हुई है वो मैंने क्लोजिंग सेल के टाइम मैंने डेटा सेव कर दिया कि आज मेरी लेट से 12,000 की सेल हुई है। अब नेक्स्ट मैं कल की जब सेल स्टार्ट करूं तो वो इस 12,000 में मुझे बताया कि लास्ट डेट मेरे पास 12,000 की सेल हुई है। अब वो डेटा कब हो सकता है, जब हम उस डेटा को पर्टिकुलरली किसी जो है वो हार्ड डिस्क पे स्टोर करवाएं, किसी फाइल पे रखें, सो दैट जब हमारे पास कंटेंट यूज हो रहे हो तो हम उसको एक्सेस कर सकें। ठीक है, सो ये हमारे पास है कॉन्सेप्ट फाइल का, कि हम डेटा को परमानेंट स्टोरेज पे सेव करवाएं व्हेन एवर हमें जब जब उस डेटा की रिक्वायरमेंट हो वो डेटा, क्योंकि जब हम फाइल में कोई चीज नोटपैड पे या वर्ड पे कोई सी चीज पे कोई चीज फाइल सेव कर लेते हैं, कोई कंटेंट, तो वो सेव रहता है। जब हम बाद में कंप्यूटर शट डाउन हो जाए उसके बाद भी हम ओपन करेंगे तो वो कंटेंट अपनी लास्ट जो हमारे पास सेव फॉर्म थी उसमें हमारे पास मौजूद होता है। इसीलिए हम अपने डेटा को परमानेंटली स्टोर, जैसे आप प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, प्रोजेक्ट बनाने में जब करंट आप प्रोग्राम रन कर रहे होंगे तब तब वो वैल्यूज दे रहा होगा, उसके बाद वो सारी चीजें नल एंड वॉइड हो जाएगी। जैसे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, वो आपको रन टाइम पे ही बुक्स एरे में ऐड करवानी पड़ेंगी। प्रोग्राम आपने क्लोज किया, दोबारा से रन किया, तो अब आपके पास लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, आप कोई बुक सर्च करेंगे तो वो एम्प्टी आ रही होगी, या तो आपने हार्ड कोड करवाई हो वैल्यूज, वो जब जब प्रोग्राम चलेगा तभी चलेगा। उससे बेटर ये नहीं है कि आप एक दफा बुक्स के नेम जो है वो एक नोटपैड की फाइल बना दें, वहां स्टोर कर दें, और जब जब आपको जरूरत हो आप वहां से उस नोटपैड की फाइल को अपने प्रोग्राम से कॉल कर दें, वो वहां से डेटा उठाकर लाए। इन केस प्रोग्राम क्लोज भी हो जाए, फिर आप जब नेक्स्ट टाइम प्रोग्राम रन करेंगे वो डेटा आपके पास फाइल की फॉर्म में सेव होगा। जनरली द फाइल इज यूज टू स्टोर द डेटा परमानेंटली। ऐसा डेटा जो आपको परमानेंटली चाहिए, आप चाह रहे हैं कि रन टू रन टाइम पे ना चले, आपको जब रिक्वायर्ड हो आप उसको एक्सेस कर सकें, उसके लिए आप यूज करेंगे फाइलिंग। The term file handling refers to the various operations. ठीक है, अब उन files पे we can perform multiple operations. उन multiple operations को हम कह रहे हैं file handling. Like creating the file, we can create the new file. जैसे notepad की मैंने नई file create की. Reading from file, मैं अपने C# के code से file के contents को read कर रही हूँ.
सी शार्प पे मैंने कोड राइट डाउन किया, यानी कि कंसोल से मैंने कुछ यूजर से इनपुट लिया, और मैं चाह रही हूँ कि वो कंसोल का इनपुट मेरी फाइल पे जाके स्टोर हो जाए जो हार्ड ड्राइव पे स्टोर है. तो वो होगा राइटिंग टू द फाइल, आई एम राइटिंग टू द फाइल, फाइल पे कुछ राइट करवाना. अपेंडिंग द फाइल मीन्स करंट फाइल में कुछ कंटेंट्स पड़े, उस फाइल में मैं अपने और कंटेंट्स ऐड करूँ. अपेंड कर देना मीन्स प्रीवियस वाला कंटेंट भी स्टोर है और मेरा नया कंटेंट भी फाइल में मैं अपेंड कर दूँ. सो प्रीवियस एंड न्यू दोनों साथ साथ एड ऑन होता रहे. ठीक है. सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, दिस ऑल आर द ऑपरेशंस व्हिच वी कैन परफॉर्म ऑन फाइल्स, लाइक क्रिएटिंग अ न्यू फाइल, रीडिंग फ्रॉम फाइल, राइटिंग फाइल, अपेंडिंग फाइल, रीनेमिंग द फाइल, डिलीटिंग द फाइल. सो मल्टीपल ऑप्शंस है हमारे पास. जो मेन बेसिक ऑपरेशंस है जो हम यूज कर रहे होते हैं फाइल पे, वो रीडिंग एंड राइटिंग है. जब फाइल पे रीड कर रहे हो या फाइल पे राइट करवा रहे हो. ठीक है. रीडिंग का मतलब ये कि फाइल के कंटेंट जो पड़े हुए हैं हम उसको व्यू कर रहे हो. और राइटिंग का क्या इम्पैक्ट है कि हम कुछ राइट करके फाइल पे राइट, जैसे मैं वर्ड की फाइल ओपन किया और मैंने कुछ टाइप करना शुरू कर दिया, तो वो राइटिंग है. और रीडिंग क्या होगी, डॉक्यूमेंट बनी हुई है, मैं उस डॉक्यूमेंट से कह रही हूँ कि मुझे स्टूडेंट नेम सर्च करके ला दो, तो वो रीडिंग होगी. ठीक है. सर्चिंग इज अनदर ऑप्शन ऑन फाइल, कि जब हम फाइल पर सर्च कर रहे हैं. ठीक है. अच्छा, अब जब फाइल है, लेट से नोटपैड की एक फाइल स्टोर है, जैसे मैंने उस फाइल को ओपन किया, अब मैं उसमें से कुछ रीड कर रही हूँ या मैं राइट कर रही हूँ, जैसी फाइल को हम ओपन करते हैं इट बिकम अ स्ट्रीम. व्हेन अ फाइल इज रेडी फॉर रीडिंग और राइटिंग, जब फाइल राइटिंग और रीडिंग ऑपरेशन के लिए तैयार होती है मीन्स इट्स ओपन, तो हम उसको कह रहे हैं कि वो क्या है, एक स्ट्रीम है. और स्ट्रीम बेसिकली क्या है, हमारे पास सीक्वेंस ऑफ बाइट्स है, क्योंकि कंप्यूटर में सारी जो हमारे पास परफॉर्मेंस होती है, जो कैलकुलेशन होती है, जो भी ऑपरेशंस होते हैं, वो बाइट्स की फॉर्म में होते हैं, मीन्स 0s 1 0s 1 0s 1. सो जब एक फाइल ओपन होती है तो हम उसको कह रहे हैं कि वो स्ट्रीम है, मीन्स जब व्हेन अ फाइल इज रेडी फॉर रीडिंग एंड राइटिंग ऑपरेशन इट बिकम्स स्ट्रीम. एंड स्ट्रीम इज अ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स. स्ट्रीम क्या बन जाती है, एक सीक्वेंस ऑफ बाइट्स, यानी कि वो फाइल अब बाइट्स की फॉर्म में काम कर रही है, which is used for communication. अब communication के लिए हम जो भी read कर रहे हैं या write करवा रहे हैं वो bytes की form में transform हो रहा है हमारी file में, और वो file एक stream है. जो two streams can be formed from file one. ठीक है. हम file से दो stream जो है वो create कर सकते हैं, एक input stream and एक output stream. input stream वो होगी जब हम file से कुछ read कर रहे होंगे. ठीक है. दो तरह की stream बनती है file से. जब हम फाइल से कुछ रीड कर रहे हैं, रीडिंग परफॉर्म करवा रहे हैं, तो हमारे पास इनपुट स्ट्रीम क्रिएट होगी. और जब हम फाइल पे कुछ राइट करवा रहे हैं, तो वो स्ट्रीम कौन सी ओपन होगी, आउटपुट स्ट्रीम. जब भी फाइलिंग पे काम करना हो, सबसे इम्पोर्टेंट आप system.io की नेम स्पेस यूज करेंगे. मीन्स आपके प्रोग्राम में जब हम यूज, आपने देखा होगा जब आप सी शार्प का कोड स्टार्ट करते हैं, विजुअल स्टूडियो कंसोल एप्लीकेशन जाके ओपन करते हैं, सबसे वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होती है, यूजिंग सिस्टम. ठीक है. अगर आपने फाइल से रिलेटेड कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं अपने कोड में, तो आप क्या करेंगे, वही यूजिंग सिस्टम के बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट, system.io की नेम स्पेस यूज करेंगे. आईओ स्टैंड फॉर इनपुट आउटपुट. अब system.io नेम स्पेस यूज करने का मतलब यह है कि फाइल से रिलेटेड जितने भी बिल्ट इन मेथड्स हैं वो इस system.io के नेम स्पेस के अंदर स्टोर है. सो आप जैसे ही system.io का नेम स्पेस यूज करेंगे अपने कोड में, आप डायरेक्ट जो है फाइल के ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसके मेथड कॉल कर सकते हैं. आपको system.console, system.file. ये करने की जरूरत नहीं है, बस आपने system.io लिख दिया. अगर आपने system.io नहीं लिखा तो हर मेथड के साथ आपको पहले system. लगाना पड़ेगा. तो उससे बेटर ये कि आप एक नेम स्पेस कॉल कर दें. जब आपने नेम स्पेस कॉल कर दी, तो आईओ के अंदर जितने भी फाइल के बिल्ट इन मेथड होंगे वो इजिली एक्सेसिबल होंगे. system.io नेम स्पेस है. नेम स्पेस मीन्स बेस क्लास. जैसे हमने पढ़ा था ना लाइब्रेरीज, तो system.io इज लाइक अ लाइब्रेरी जिसके अंदर मल्टीपल फाइल से रिलेटेड क्लासेस बनी हुई हैं और क्लासेस के अंदर मेथड्स बने हुए हैं. ठीक है. ये इन्होंने कुछ स्ट्रक्चर बताने की कोशिश की है. ठीक है. ये system.io की क्लास है. फाइल इन्फो, डायरेक्टरी इन्फो, ये सारी चीजें उसमें स्टोर हो रही है. ठीक है. ये क्लास हायरार्की इन्होंने बनाई है. देन वी हैव स्ट्रीम राइटर क्लास. ठीक है. कुछ बिल्ट इन मेथड्स हैं इन क्लासेस के अंदर. स्ट्रीम राइटर की क्लास है, वो तब एक्सेसिबल होगी जब system.io की नेम स्पेस आप कॉल करेंगे. तो यहाँ पे स्ट्रीम राइटर की एक क्लास है हमारे पास. स्ट्रीम राइटर की क्लास के वी हैव मल्टीपल मेथड्स, क्लोज, फ्लश एंड राइट. क्लोज क्या करेगा, अच्छा जब आप किसी स्ट्रीम को ओपन करते हैं तो इट्स मैंडेटरी जब आप सारे टास्क परफॉर्म करवा लें तो आप उसको क्लोज भी करें, ताकि कोई एरर ना आ जाए, प्रॉपरली आपका सिस्टम सिस्टमेटिक वे में काम हो.
तो क्लोज का मेथड स्ट्रीम राइटर की क्लास में तब यूज होगा जब आपने फाइल पे जो राइट करवाना हो आपने राइट करवा लिया, उसके बाद आप क्लोज का मेथड कॉल कर देंगे। ये सारे बिल्ट इन मेथड हैं स्ट्रीम राइटर की क्लास के अंदर। फ्लश का मेथड क्या करेगा, जब आप डेटा राइट करवा रहे होंगे फाइल पे तो वो डेटा एक कंटेनर में स्टोर हो रहा होगा एक वेरिएबल में। जैसे ही आप फ्लश का मेथड कॉल करेंगे वो फ्लश का मेथड सारा का सारा डेटा को बफर करेगा और फाइल के अंदर राइट कर देगा। जो फाइल ओपन है पहले वो डेटा डायरेक्ट फाइल के अंदर नहीं जा रहा होगा बल्कि एक कंटेनर में आप स्टोर करेंगे। वो कंटेनर आपका डेटा, लेट से कंसोल एप्लीकेशन से आपने यूजर की डिटेल इनपुट ली, यूजर का नेम इनपुट लिया, उसकी एज, उसकी डेट ऑफ बर्थ, वो सारा डेटा एक कंटेनर में जा रहा है। जैसे ही आपने फ्लश का मेथड कॉल किया वो सारा डेटा कंटेनर से निकल के आपकी फाइल में जाके राइट हो जाएगा। राइट राइट डेटा टू द स्ट्रीम, राइट का मेथड क्या करेगा, डेटा को स्ट्रीम में राइट करेगा। ठीक है, और इसमें डिफरेंट जो है वो ओवरलोडेड डिफरेंट टाइप्स टू राइट इन स्ट्रीम्स। ठीक है, डिफरेंट डेटा ओवर राइट ओवरलोड कर सकता है, मींस मल्टीपल पैरामीटर्स के साथ आप इसमें आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हैं। राइट लाइन भी सेम एज राइट है बट इट एज क्या करता है, ये न्यू लाइन ऐड करेगा और फिर डेटा को न्यू लाइन ऐड करने के बाद ऐड करेगा, फाइल पे राइट करवाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसके हम कुछ एग्जांपल करते हैं। राइटिंग इनटू द फाइल, अगर हमने फाइल पे कुछ राइट करवाना है तो हम उसको कैसे करवा सकते हैं। बेस्ट अप्रोच ये है कि डायरेक्ट मेन पे करने के बजाय आप क्या करो, आप एक मेथड के अंदर ये काम करो। ठीक है, आप किस मेथड में करोगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड एक मेथड बना लें, मेन के बाहर एक मेथड बना लें, क्लास के अंदर ही बट मेन के बाहर एक मेथड बना दें, पब्लिक स्टैटिक वॉइड डेटा। ठीक है, अब आपने एक फाइल पे डेटा राइट करवाना है। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए, उस फाइल का स्पेसिफिक एड्रेस चाहिए कि वो फाइल आपके सिस्टम पे कहाँ स्टोर है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप स्क्रीन शेयर हो रही है आपके पास वर्ड की, ठीक है, लेट्स से सबसे पहले स्टेटमेंट मेरे पास क्या होगी, सबसे पहले स्टेटमेंट होगी मेरे पास यूजिंग सिस्टम डॉट आईओ की, सिस्टम डॉट इनपुट आउटपुट की नेम स्पेस, उसके बाद फिर आपके पास जो हमारे पास प्रॉपर पब्लिक क्लास, लेट्स से क्लास का नाम मैंने टेस्ट कर दिया। ठीक है, ये क्लास के अंदर मैंने एक डेटा का मेथड बनाया और डेटा के मेथड के बाहर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन उसी क्लास के अंदर, ठीक है, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट दे दिए मैंने इसको, ये मेरे पास क्लास एंड हुई, क्लास यहाँ एंड हुई। क्लास के अंदर दो मेथड हैं, एक मेन का और एक मेरे पास डेटा का। ठीक है, अब मैंने क्या किया, डेटा के मेथड को पब्लिक और स्टैटिक रखा और फिर मैंने कहा एक पाथ के लिए मैंने एक स्ट्रिंग बना दिया, स्ट्रिंग पाथ इज इक्वल टू जहां पे मैंने जो फाइल, जिस फाइल पे मैंने राइट करवाना है उस फाइल का एड्रेस उठाया। ठीक है, फाइल का एड्रेस हम कैसे उठाते हैं, उसका स्पेसिफिक फोल्डर ओपन करते हैं, फाइल की डेस्टिनेशन पे जाते हैं और ऊपर एड्रेस बार में उसका एड्रेस आ रहा होता है। लेट्स से मैं आपको अभी बता देती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ। ठीक है, लेट से ये मेरे पास फोल्डर भी ओपन है। ठीक है, यहाँ से मैंने फॉल 2020 PF105045, अब मेरे पास एड्रेस कहाँ से आएगा, मैं इसके एड्रेस बार पे क्लिक करूंगी तो ये देखिए मेरे पास पूरा कंप्लीट एड्रेस आ गया। ठीक है, मैं यहाँ एड्रेस बार पे क्लिक करूंगी, ये पूरा एड्रेस आ गया। एड्रेस क्या बता रहा है, सी ड्राइव में यूजर्स का फोल्डर है, उसमें मंसूर का फोल्डर है, डेस्कटॉप है, फिर फिजा न्यू फॉल, ये पूरा एक कंप्लीट एड्रेस आ गया मेरे पास इस फाइल की डेस्टिनेशन का। अब आप भी ऐसा करोगे कि जब फाइलिंग करोगे उसमें एक्चुअल मसला फाइलिंग इटसेल्फ बहुत आसान है, लेकिन जो मसला जहां आता है वो पाथ रेजोल्यूशन का आता है, और वो आप कोड कॉपी पेस्ट या तो नेट से कर रहे होते हो या अपने किसी फ्रेंड वगैरह से या मेरा देख के अगर करोगे तो हर किसी के जो है सिस्टम में अलग अलग नाम के फोल्डर्स बने। तो आप उससे बेस्ट, सबसे बेस्ट अप्रोच ये कि डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाओ और अपने उसका नाम प्रोजेक्ट रख लो और प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितना डेटा है नोटपैड की फाइल बना के उस फोल्डर के अंदर रखो और वो आप पाथ उठाओ और पाथ अपने कोड में दो, क्योंकि प्रॉब्लम ये आती है कि मैं अगर आपको अपना कोड शेयर करूंगी फाइलिंग का तो उसमें मेरे सिस्टम का पाथ गिवन होगा, आप उसको अपने पास चलाओगे तो वो पाथ आपके पास वैसा नहीं होगा, तो उस वजह से भी एरर आता है। तो यहाँ पे हम फाइल का पाथ यहाँ से कॉपी पेस्ट करेंगे जहां पे भी आपकी फाइल स्टोर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, तो यहाँ से हम सिस्टम का जो है वो अपनी फाइल का एक्चुअल पाथ जो है वो उठा लेंगे एंड देन फाइल का नेम। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैंने एक स्ट्रिंग में पास करवा दिया। अब क्योंकि मैंने सिस्टम डॉट आईओ की नेम स्पेस यूज की है तो फाइल से रिलेटेड जो उसके स्टैटिक और नॉन स्टैटिक मेथड है आई कैन कॉल इजीली।
यहाँ मैंने इफ की कंडीशन के अंदर फाइल डॉट एग्जिस्ट का मेथड कॉल किया. अब फाइल के नाम के साथ यूज हो रहा है, इट मीन्स फाइल इज अ नेम ऑफ क्लास एंड एग्जिस्ट इज इट मेथड. तो मैंने एग्जिस्ट के मेथड को कॉल कराया जो कि फाइल का मेथड है, और ये मुझे एक्सेसिबल सिस्टम डॉट आईओ के थ्रू है. हाँ, इस कोर्स में तो हमारे पास सिर्फ नोटपैड होगी. ठीक है, इफ फाइल डॉट एग्जिस्ट पाथ. अब पाथ मैंने क्या दे दिया, जो मैंने पाथ दिया था वो मैंने इस मेथड को इनपुट दे दिया. ये मैं सिर्फ चेकिंग कर रही हूँ कि मैं जिस फाइल पे राइट करवाना चाह रही हूँ वो फाइल एग्जिस्ट भी कर रही है या नहीं कर रही, उसके अकॉर्डिंगली वो मुझे अप्रोप्रिएट मेथड दे. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक स्टेप दे दिया, इफ फाइल डॉट एग्जिस्ट. अगर मेरे पास फाइल एग्जिस्ट कर रही है, कौन सी फाइल जिसका मैंने ऊपर पाथ दिया है, तो वो जाके सर्च करेगा. फाइल डॉट एग्जिस्ट का मेथड क्या करेगा, इस फाइल के एड्रेस पर जाके सर्च करेगा कि क्या इस नाम की फाइल इस डी ड्राइव में मौजूद है या नहीं है. अगर तो है, क्योंकि अगर ये मिल गई इसको फाइल, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा. इफ ट्रू, कंसोल डॉट राइट लाइन पे क्या आ जाएगा, फाइल एग्जिस्ट, मतलब आपकी फाइल एग्जिस्ट कर रही है. अब नेक्स्ट ऑपरेशन इफ के अंदर ही मैंने यूज किया, कंसोल डॉट राइट लाइन, एंटर द टेक्स्ट दैट यू वांट टू राइट ऑन फाइल. वो टेक्स्ट आप राइट डाउन करें जो आप फाइल पे राइट डाउन करवाना चाह रहे हैं. यानी कि जब मैं अपने, ये सब तो कोड सी शार्प पे हुआ है ना, जब मैं प्रोग्राम रन करूंगी तो वो सबसे पहले फाइल को देखेगा कि चेक करेगा कि फाइल एग्जिस्ट कर रही है. अगर है तो मेरे पास कंसोल एप्लीकेशन कंसोल पे लिखा आ जाएगा फाइल एग्जिस्ट, फिर उसके बाद आएगा एंटर द टेक्स्ट दैट यू वांट टू राइट ऑन फाइल. मतलब यूजर से इनपुट मांगेगा कि आप वो टेक्स्ट इनपुट करें जो आप फाइल पे राइट करवाना चाह रहे हैं. अब फाइल पे राइट करवाने के लिए हमें फाइल को ओपन करना पड़ेगा जाके कि उस पर वो रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो सके. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फाइल स्ट्रीम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे. फाइल स्ट्रीम fs, यानी कि ये फाइल स्ट्रीम की क्लास सिस्टम डॉट आईओ की नेम स्पेस में क्लास बनी हुई है. सो फाइल स्ट्रीम fs इज इक्वल टू न्यू फाइल स्ट्रीम. मैंने नई फाइल स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मैंने कुछ चीजें यहाँ पे एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर दी. फर्स्ट वन इज द पाथ, यानी कि वो एड्रेस जिस फाइल स्ट्रीम को वो ओपन करेगा. फाइल मोड डॉट अपेंड. अब मैं इसको क्या कह रही हूँ, फाइल का मोड क्या होगा, अपेंड. कि फाइल में अगर पहले से कोई डेटा मौजूद है उसको रहने दो, और उसके बाद जो यूजर इनपुट कर रहा है उसके बाद नेक्स्ट लाइन को. अपेंड का ही मतलब होता है ना, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा को ओवरराइट नहीं करो बल्कि अपेंड कर दो, उसी में उसको रहने दो और जो नया डेटा है वो एड ऑन कर दो. और फाइल पे एक्सेस क्या देना है, राइट का. फाइल पे मैंने क्या एक्सेस देना है कि फाइल को राइट करवा दो. देन मैंने क्या किया, अब जब फाइल स्ट्रीम के बाद नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास स्टेप क्या होगा, स्ट्रीम राइटर. अब मुझे फाइल पे राइट करवाना है, तो राइट करवाने के लिए स्ट्रीम राइटर की क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा. स्ट्रीम राइटर sw इज इक्वल टू न्यू स्ट्रीम राइटर. और यहाँ पे ये जो मैंने fs का ऑब्जेक्ट बनाया है ये मैंने पास कर दिया. मीन्स नाउ दिस फाइल, जैसे हमने पढ़ा था ना कि दो स्ट्रीम्स बनती है फाइल की हमारे पास, एक इनपुट स्ट्रीम और एक आउटपुट स्ट्रीम. ठीक है, आउटपुट स्ट्रीम कब बनती है, जब हम फाइल पे कुछ राइट करवा रहे होते हैं. तो ये देखें, ये फौरन एक स्ट्रीम बना देगा. मींस जो फाइल यहाँ पे पास होगी उस फाइल को एक स्ट्रीम बना देगा, वो फाइल ओपन हो जाएगी, स्ट्रीम बन जाएगी बाइट्स की फॉर्म में. फिर मैंने क्या किया, कंसोल डॉट राइट लाइन, एंटर द टेक्स्ट दैट यू वांट टू राइट ऑन फाइल. एक टेक्स्ट कंसोल पे प्रिंट हो जाएगा. और फिर मैंने यूजर से एक स्ट्रिंग इनपुट ले लिया, स्ट्रिंग str इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन. यानी कि यूजर अब कंसोल से इनपुट देना शुरू करेगा. ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या किया, ये जो स्ट्रीम बनाई थी स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट से राइट लाइन का मेथड कॉल कर दिया. अब जो ये वाला राइट लाइन का मेथड है, ये फाइल स्ट्रीम का राइट लाइन का मेथड है, ये फाइल पे जाके लिखेगा. और क्या लिखेगा, जो str मैंने इनपुट दिया है, जब तक मैं एंटर प्रेस नहीं करूंगी इनपुट लेता रहेगा str में. जैसे मैंने इनपुट एंटर प्रेस किया str में, वो सारा डेटा जो एंटर से पहले मैंने लिखा था कंसोल पे, वो str में स्टोर हो जाएगा. और उस str के थ्रू मैंने sw डॉट राइट लाइन, यानी कि वो जो स्ट्रीम बनी थी फाइल की sw, उसमें क्या जाके लिखो, वो str जो यूजर ने इनपुट किया. एंड देन sw डॉट फ्लश, यानी कि वो सारा डाटा जो कंटेनर में होल्ड किया है उसको क्या करो, फ्लश कर दो. मींस वो फाइल पे वन बाय वन जाके राइट करना शुरू कर दो. एंड देन क्लोज द फाइल. एल्स, और ये सारा काम तब करो अगर फाइल एग्जिस्ट कर रही है. अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही तो क्या लिखा हुआ आ जाए, फाइल नॉट फाउंड. अब एक काम ही करें कि कोई स्टूडेंट है जिसका अभी विजुअल स्टूडियो ओपन है, जी क्लास विजुअल स्टूडियो ओपन है किसी के पास, नहीं है तो काइंडली ओपन कर लें.
बेटा ये यूज करना है ना आपने, तभी तो मैं करवा रही हूँ। मैं आपको अभी इम्प्लीमेंट करके बता देती हूँ ना कि कैसे करना है। ये कोड तो सेम ही रहेगा, ये कोड तो है ना, ये आपके पास मौजूद है फाइल, बस आपने अपनी फाइल की एक्सटेंशन देखनी पड़ेगी कि क्या उसका एड्रेस है। जी क्लास, किसी के पास विजुअल स्टूडियो ओपन है? विजुअल स्टूडियो ओपन करें अपना फौरन से, जल्दी से, कोई भी एक स्टूडेंट। अच्छा, अगर पूरा का पूरा प्रोजेक्ट फाइलिंग पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते तो कुछ सॉर्ट ऑफ कर दें, ठीक है, कि कुछ ना कुछ फाइलिंग में स्टोर जरूर है, क्योंकि हमने पढ़ा है तो आपके प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ फाइल पे स्टोर हो, कोई रिजल्ट, कोई सम, कुछ भी जो आपका प्रोजेक्ट है, कोई नेम, आपका नाम, कुछ ना कुछ फाइल पे स्टोर हो और कुछ ना कुछ फाइल से रीड हो रहा हो। नहीं बेटा, ये ऑप्शनल नहीं है, तभी तो मैं प्रोजेक्ट से पहले करवा रही हूँ और आपकी प्रोजेक्ट की डेडलाइन मैंने और बढ़ा दी, आपको 1 हफ्ते का टाइम और दे दिया। ऑप्शनल नहीं है, ये करना है आपने, कोई बात नहीं, उसको इम्प्लीमेंट कर दें, सिंपल चेंजेस ही तो थोड़ी बहुत करनी है। जो काम एरे पे कर रहे हो उस पे रहने दो, एक मेथड के थ्रू, जैसे मेथड अलग से बना दो, उस पे फाइल पे जाके रीड करवा दो, फाइल पे जाके इसे रीड करवा लो। अच्छा, कोई विजुअल स्टूडियो तो ओपन करे कोई एक स्टूडेंट, किसी के पास ओपन है? ओपन है तो अपनी स्क्रीन शेयर कर दें और मुझे रिमोट एक्सेस दे दें, क्योंकि मैंने अभी लैपटॉप चेंज किया हुआ है तो मेरे पास अभी विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल नहीं है इस लैपटॉप पे। यार बहुत देर लगाते हो तुम लोग, जल्दी करो वरना तुम लोगों को खुद करना पड़ेगा, अगर नहीं एक्सेस दे रहे तो। ये फिर मैं कोड दे दूंगी, फिर ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, मैं समझा दूंगी सिर्फ आपको। मैं चाह रही थी कि मैं आपको करके भी दिखा देती। ये सारे कोड यहाँ पे राइट डाउन है, ये जो फाइल है इसमें राइट का कोल कोड गिवन है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। रीडिंग फ्रॉम फाइल, अगर आपने फाइल से रीड करना है उसका कोड है, वो भी देख लेते हैं। अगर मैंने फाइल से रीड करना है, अगेन डेटा का मेथड, पार्ट डिफाइन किया जिस फाइल से रीड करना है, अगेन इफ फाइल डॉट एग्जिस्ट, अगर फाइल एग्जिस्ट कर रही है वो पाथ इनपुट दे दिया तो प्रिंट हो जाए फाइल एग्जिस्ट, नहीं तो फिर मेरे पास क्या हो जाए, स्ट्रीम रीडर एस आर इज इक्वल टू न्यू स्ट्रीम रीडर पाथ। आप चाहें तो फाइल स्ट्रीम वाली क्लास का ऑब्जेक्ट ना भी बनाए तो भी चलेगा, ठीक है, आप डायरेक्ट, लेकिन स्ट्रीम रीडर या राइटर की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी है। अगर आप रीड कर राइट करवा रहे हैं तो स्ट्रीम राइटर, अगर रीड करवा रहे हैं तो स्ट्रीम राइटर, ठीक है। मैंने स्ट्रीम रीडर की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, स्ट्रीम रीडर एस आर इज इक्वल टू न्यू स्ट्रीम रीडर, और इसमें मैंने क्या पास करवा दिया, वो पाथ कंटेंट्स ऑफ फाइल। अब यहाँ पे मैंने एक बिल्ट इन मेथड कॉल किया इस ऑब्जेक्ट के नाम के साथ, एस आर डॉट बेस स्ट्रीम डॉट सीक, मुझे फाइल फर्स्ट एलिमेंट यानी कि फाइल पे जो डेटा पड़ा है सारा का सारा रीड करवाना है, तो उसके लिए मैंने क्या कहा, सीक मीन्स कहाँ से वेट करो, जीरो सीक ओरिजिन डॉट बिगिन, यानी कि फाइल के बिगिन से स्टार्ट करो। ये फाइल के बिल्ट इन मेथड्स हैं, इसकी इतनी फंक्शनैलिटी डिटेल में जाने की जरूरत है, वो नाम ही बता रहे हैं कि ये क्या काम कर रहा है। एस आर डॉट बेस स्ट्रीम डॉट सीक, जीरो डॉट सीक ओरिजिन डॉट बिगिन, यानी कि पोजिशन क्या रखनी है, फाइल के जीरो एलिमेंट से स्टार्ट करो यानी कि वेरी फर्स्ट एलिमेंट से, और सीक ओरिजिन डॉट बिगिन यानी कि फाइल को बिगिन से रीड करना स्टार्ट करो। एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की, स्ट्रिंग एस टी आर इज इक्वल टू एस आर डॉट रीड लाइन, यानी कि ये जो एस आर मैंने फाइल की स्ट्रीम बनाई है उसमें से लाइन रीड करो, और रीड करके कहाँ रखो, उस स्ट्रिंग में। जब तक एस टी आर इज नॉट इज इक्वल टू नल, जब तक वो स्ट्रिंग नल नहीं हो जाती, यानी कि जब तक वो फाइल से रीड कर रहा है, जब तक कंसोल डॉट राइट लाइन एस टी आर, एस टी आर की वैल्यू कहाँ लिखते जाओ, कंसोल डॉट राइट लाइन, यानी कि ये कहाँ रखेगा आपकी कंसोल एप्लीकेशन में। एंड एस टी आर इज इक्वल टू एस आर डॉट रीड लाइन, एस आर क्या करेगा, एस टी आर इज इक्वल टू एस आर डॉट रीड लाइन, यानी कि जब तक नेक्स्ट लाइन है फाइल पे एस टी आर को रीड करो, प्रीवियस वाली लाइन जो है वो कंसोल पे राइट करवाओ, और एस टी आर की नई वैल्यू फाइल की नई वैल्यू, ये प्रोसेस करते रहो जब तक आपकी फाइल एंड नहीं हो जाती। एस आर डॉट क्लोज, एस आर को क्लोज कर दो, और ये सारा काम तब होगा जब फाइल एग्जिस्ट कर रही होगी, नहीं तो क्या हो जाए, फाइल नॉट फॉर्म। रीड और राइटिंग हमने देख ली, अगर अगर कोई स्टूडेंट विजुअल स्टूडियो ओपन कर रहा है अपने पास, तो मैं आपको प्रैक्टिकली ये इम्प्लीमेंट भी करके दिखा दूंगी, वरना फिर आपको ये खुद से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अब मुझे कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट सर्च करना है, जैसे जिनका लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है, बुक सर्च करनी है,
फाइल पे बुक्स रखी है, मुझे सर्च करना है कि मेरे पास ये पर्टिकुलर बुक है या नहीं है, और फाइल से सर्च करना है, तो उसके लिए क्या होगा, वॉइड डेटा, ठीक है, आपने एक पाथ दे दिया टेक्स्ट फाइल जहाँ स्टोर है। अगर फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो कंसोल डॉट राइट लाइन पे लिखा आ जाए फाइल एग्जिस्ट, और फिर क्या करो, फाइल स्ट्रीम का जो है वो ऑब्जेक्ट बनाओ, पाथ, उसमें पाथ इनपुट दो, फाइल मोड डॉट ओपन, यानी कि आप फाइल से हम सर्च करवा रहे हैं, राइट नहीं करवा रहे, तो फाइल का मोड क्या हो जाएगा, ओपन, फाइल को सिर्फ ओपन करो, और एक्सेस उस पर क्या दो, रीड। अब राइट नहीं करना, रीड करना है, हम क्योंकि सर्चिंग कर रहे हैं तो सर्चिंग करने के लिए हमें फाइल को रीड करना पड़ेगा, सो फाइल एक्सेस डॉट रीड। स्ट्रीम राइडर एस आर इज इक्वल टू न्यू स्ट्रीम राइडर एफ एस, अब रीड करवाना है तो एस स्ट्रीम राइडर, बस आपने ये तीन स्टेटमेंट याद रखनी है, फाइल स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्रिएशन, स्ट्रीम रीडर का ऑब्जेक्ट क्रिएशन, और उस ऑब्जेक्ट क्रिएशन में आपने जो फाइल स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया है वो एज एन आर्ग्यूमेंट पास हो जाएगा। फिर दो स्ट्रिंग इनपुट आपने लिए, एक रिकॉर्ड एक इनपुट, यूजर से इनपुट मांगा कि आप वो टेक्स्ट एंटर करें जो आप फाइल से सर्च करवाना चाह रहे हैं, यूजर ने इनपुट दे दिया, उसके बाद आपने क्या किया, जो सेकंड इनपुट स्ट्रिंग ली थी रिकॉर्ड की, उसमें आप क्या कर रहे हैं, एस आर डॉट रीड लाइन, आप क्या कर रहे हैं, आप वो जो रीडिंग वाला काम था जो हमने पहले करा था वो कर रहे हैं और साथ साथ सर्चिंग करवा रहे हैं। वाइल रिकॉर्ड इज नॉट इज इक्वल टू नल, मतलब जब तक आप फाइल से रीड कर रहे हैं साथ साथ चेक करते रहो वाइल के अंदर इफ की कंडीशन, सेम वही कोड है जो हमने रीड में पढ़ा था ये वाला, बस इस वाइल के अंदर इफ की कंडीशन आ गई जहां पे यूजर के गिवन टेक्स्ट को वो आपकी फाइल से चेक करेगा। इफ रिकॉर्ड डॉट कंटेंट्स, यानी कि जो फाइल वो रिकॉर्ड से पढ़ रहा है रीड कर रहा है, अगर वो कंटेन कर रहा है इनपुट, इनपुट क्या है, वो टेक्स्ट जो यूजर ने इनपुट दिया है जो वो सर्च करवाना चाह रहा है, अगर रिकॉर्ड में वो वर्ड एग्जिस्ट कर रहा है तो प्रिंट आ जाए वर्ड एग्जिस्ट, और फिर रिकॉर्ड नेक्स्ट लाइन रीड करे, नहीं तो फिर क्या आ जाए एल्स, तो हमारे पास वर्ड एग्जिस्ट अगर होगा तो वर्ड एग्जिस्ट हो जाए, नहीं तो फिर कुछ भी प्रिंट ना हो। आप चाहें तो यहाँ पे इफ के बाद जहाँ इफ की एक फाइल एंड हो रही है यहाँ पे आप यहाँ पे एल्स दे दें, एल्स वर्ड डज नॉट एग्जिस्ट, और फिर उसके बाद एस आर को क्लोज करें और फाइल को फाइल नॉट फाउंड कर दें। अच्छा, अगर हमने एरे बनाई है अपने प्रोग्राम में और हम उसको फाइल में स्टोर करने जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, रीडिंग फ्रॉम फाइल एंड स्टोर इनटू एरे, यानी कि फाइल से डेटा उठाए और एरे में स्टोर कर दे। सो स्ट्रिंग डेटा, एक स्ट्रिंग डेटा आप एरे बनाए स्ट्रिंग का, उसका नाम आप क्या करें, फाइल डॉट रीड ऑन लाइन, हाँ लेकिन थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन तो करनी पड़ेंगी ना आपको, कुछ ना कुछ तो मॉडिफाई करना पड़ेगा, थोड़ी सी हेल्प आपको नेट से भी मिल जाएगी, मैं भी थोड़ा सा आपको गाइड कर दूंगी, इसलिए मैंने कहा था कि मुझे एक दफा कोई एक स्टूडेंट विजुअल स्टूडियो अपने पास ओपन कर ले और मैं इसको इम्प्लीमेंट करके दिखा दूं तो चीजें क्लियर हो जाएं। जब हम इम्प्लीमेंटेशन देखे होते हैं ना तो ज्यादा समझ में आ रहा होता है, अभी ऐसा कोड ऐसे लग रहा है कोड में आपको समझा रही हूँ, वहां वन बाय वन हम देखेंगे तो ज्यादा बेटर पता चलेगा, ठीक है। अब हम मैं फाइल से कुछ रीड कर रही हूँ और अपने कोड में उसको एरे पे स्टोर करवा रही हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, स्ट्रिंग डेटा, मैंने स्ट्रिंग डेटा का एक एरे बनाया, उसमें मैं क्या कर रही हूँ, फाइल डॉट रीड ऑन लाइन्स, ये फाइल का बिल्ट इन मेथड है रीड ऑन लाइन्स का, फाइल का नेम है और रीड ऑन लाइन्स, तो ये रीड ऑन लाइन्स क्या करेगा, ये जो मैंने पाथ दिया एट सी ए बी सी न्यू फाइल डॉट टी एक्स टी, ये फाइल का एड्रेस है, इस फाइल से डेटा उठाएगा और वो सारा डेटा उठा के डेटा के एरे में रख देगा। अब मुझे इस एरे को प्रिंट करवाना है तो सिंपल, जैसे हम एरे प्रिंट करवाते हैं, फॉर इन आई इज इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन डेटा डॉट लेंथ, यानी कि जब तक डेटा डॉट लेंथ के इक्वल नहीं हो जाता, कंसोल डॉट राइट लाइन डेटा ऑफ आई, तो ये क्या इतना, ये तीन लाइनों का कोड क्या कर रहा है, मेरी जो फाइल जिसका मैंने पाथ यहाँ दिया है उसका डेटा उठा रहा है और एक एरे में रख रहा है, और उस एरे को मैंने लूप के थ्रू प्रिंट करवा दिया। इसी तरह अगर मैंने फाइल से कुछ राइट करवाना है, मैंने अपने प्रोग्राम में कोड में एक एरे बनाया मंथ्स का, जिसमें 12 मैंने उसकी वैल्यू रखी और स्ट्रिंग का एरे, और इसमें मंथ 0 जैन फेब मार्च अप्रैल ये सारी 11 तक दिसंबर तक रख दिया। अब मैं चाह रही हूँ कि ये सारा का सारा डेटा मेरे पास कहाँ चला जाए, फाइल में चला जाए। आप ये काम ऐसे कर सकते हैं, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में अगर आपने बुक्स बनाई है तो बुक को एरे में स्टोर करवाएं और पूरी की पूरी एरे फाइल में चली जाए, ठीक है, बुक के टाइटल्स, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जाहिर सी बात है आपको मंथ की जगह बुक नेम आ जाएगा, जितनी बुक्स आपने रखी है उसका साइज आ जाएगा, उसके आप वैल्यूज दे दो, बुक के टाइटल दे दो, और उसके बाद फिर क्या करो, यहाँ पे
system.io, अगर आपने system.io की namespace use की है तो फिर आपको ये दोबारा यहाँ use करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप simple क्या करोगे, file.write all lines, ये सारी की सारी lines कहाँ write कर दो, file की extension जहाँ आपने लिखवाना है, और क्या लिखवाना है, ये array months। राइट ऑल लाइन्स में दो आपके पास जाते हैं आर्ग्यूमेंट्स, एक फाइल का एड्रेस जहाँ लिखवाना है और एक वो कंटेंट जो लिखवाना है। तो ये पूरा का पूरा मंथ्स को उठाएगा और फाइल डॉट टी एक्स टी सी ड्राइव पे एक फाइल होगी जहाँ पे स्टोर कर देगा। ठीक है, तो फाइलिंग देख लीजिएगा, पेपर में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, लेट सपोज के फाइल में मेरे पास एक डेटा पड़ा है, ठीक है, एक डेटा पड़ा है इंटीजर फॉर्म में, तो आपने उस डेटा को लेकर आना है और बताना है कि उसमें से नंबर, इवन नंबर कितने हैं और ऑड नंबर कितने हैं, वो अपने प्रोग्राम में प्रिंट करके दिखाना है। तो इस तरीके के प्रोग्राम्स आ सकते हैं, या ऐसा हो सकता है कि टेबल जनरेट करें कोड में और उस टेबल को प्रिंट करवाएं फाइल में। तो ये सारी चीजें जो है इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। नहीं, लॉजिक आप वही रहने दें, फाइल को आप जो है कोई एक पर्टिकुलर चीज, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट में थोड़ी कह रही हूँ कि फाइलिंग पे करें, कोई एक पर्टिकुलर चीज जो है वो आप फाइलिंग पे कर लें। ठीक है, पूरा का पूरा फाइल पे नहीं करना, हमने कुछ एक पर्टिकुलर चीज फाइल पे कर दें। और कोई सवाल है क्लास, और कोई क्यूरी है? बिल्कुल आएगा बच्चे, जो हम पढ़ रहे हैं वो मैं कोई ऐसी तो नहीं पढ़ा रही कि शौकिया पढ़ा रही हूँ आपको, ये हमारे कोर्स कंटेंट हैं तो पढ़ा रही हूँ मैं। अच्छा, इससे रिलेटेड जो मैं कह रही थी ना इम्प्लीमेंटेशन, मैं काम करूंगी इसका रिकॉर्डेड लेक्चर जो है ना वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी फाइलिंग का, कि फाइलिंग कैसे करते हैं। एक फाइल बनाई, उसको ओपन करवाया, उसको रीड करवाया, इसका विजुअल स्टूडियो कोड के थ्रू मैं आपको करके बता दूंगी ऐसे। ठीक है, मैं वो लिंक शेयर कर देती हूँ आपके साथ ग्रुप में। मैं करके बता दूं बच्चे, लेकिन कोई विजुअल स्टूडियो तो ओपन करे। मैंने तो आपको सबसे पहले कहा था कि सारे काम मैं आपको करके दिखा देती हूँ। अगर विजुअल स्टूडियो किसी के पास है तो ओपन कर दें, मैं आपको वो फाइलिंग वाला करके बता देती हूँ। हरी अब लेकिन जल्दी, क्योंकि मीटिंग एंड होने वाली है, कोशिश करते हैं कि इसी मीटिंग में हो जाए तो हो जाए। आप अपने पास स्क्रीन शेयरिंग करें या मोहम्मद हुसैन, मैंने शेयरिंग ऑन की है, मैंने स्टॉप कर दिया शेयरिंग, अब आप अपने पास ओपन करें। ठीक है, अब एक काम ये करो, हाँ, नया प्रोजेक्ट बनाओ डेस्कटॉप पे जाके, आपको मैं बताती जाती हूँ आप करते जाओ। सब सारे स्टूडेंट्स के पास शेयर हो रही है ना स्क्रीन? अच्छा, डेस्कटॉप पे जाके एक फोल्डर बना दो। ठीक है, कंसोल एप्लीकेशन सिलेक्ट करो, यहाँ पे सी शार्प, ठीक है, कोई भी नाम दे दो। सिस्टम हैंग हो रहा है आपका, शेयरिंग भी ऑफ हो गई आपकी। ठीक है, अब यहाँ पे रुक जाओ, वेट करो, कंसोल एप्लीकेशन से बाहर आओ, मिनिमाइज करो, डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाओ। ठीक है, फोल्डर पे एक नोटपैड की फाइल बनाओ, कुछ भी उसका नाम रख दो और पाथ उठाओ उसका।
फाइल बना ली। फाइल का नाम क्या है? पूरा पाथ उठाओ फाइल का, यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाओ, स्ट्रिंग मोहम्मद हुसैन। आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, यहाँ पे पाथ का एक वो बनाओ, वेरिएबल स्ट्रिंग पाथ। अब यहाँ पे वो फाइल का पूरा एड्रेस दे दो। ठीक है, अब नीचे आओ, एक एरे बनाओ, उस फाइल पे कुछ लिखा है? उस फाइल पे जाके कुछ लिख दो, पाकिस्तान जिंदाबाद एबीसीडी कुछ भी टेक्स्ट लिख दो। ठीक है, यहाँ पे अब स्ट्रिंग एक एरे बनाओ, एरे बनाओ, ब्रैकेट्स लो। ठीक है, ठीक है, इज इक्वल टू, ऊपर यूजिंग सिस्टम डॉट आयो नेम स्पेस यूज करो पहले, सबसे पहले। सिस्टम डॉट आयो, ठीक है, डॉट आयो, ठीक है, सेमी कॉलन। ठीक है, अब नीचे आओ, इज इक्वल टू फाइल डॉट, नहीं, ये ठीक है, वहीं अपने कोड पे आओ जहां एरे डिक्लेयर किया है। हाँ, यहाँ पे लिखो, नहीं, न्यू स्ट्रिंग नहीं, जो मैं बता रही हूँ वो करो। स्ट्रिंग एरे इज इक्वल टू, हटाओ ये भी, न्यू भी रिमूव करो, फाइल डॉट रीड ऑल लाइन्स। ठीक है, ये मेथड आ रहा है, इसको सिलेक्ट कर लो, रीड रीड, हाँ हाँ बेटा, रीड ऑल लाइन्स। ठीक है, और ब्रैकेट में ये वेरिएबल दे दो, स्ट्रिंग जो आपने फाइल का जहां स्टोर करवाई है। थोड़ा जल्दी कर ले, मीटिंग एंड हो जाएगी, फिर सेम मीटिंग आईडी पे दोबारा ज्वाइन करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब फॉर की लूप लगाओ, फॉर एंड आई इज इक्वल टू जीरो, जैसे हम सिंपल एक एरे प्रिंट